वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर एस सर के यूट्यूब चैनल पर। और हम सब लाइव हैं एक नई क्लास के साथ में। और ये जो क्लास आपकी होगी, आज एक नया चैप्टर अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल भी हालांकि अपन ने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, लेकिन वो एक ही क्लास का टॉपिक था। आज अब वाला जो टॉपिक है वो दो क्लासों के अंदर मैं कंप्लीट करूंगा। बिल्कुल आराम आराम से चलेंगे और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर का एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में फंसता है। 100% एक सवाल तो आपके पास इसका आएगा। अगर नेवी एयरफोर्स की बात करूं तो एक एक सवाल आता है। अगर मैं बात करूं एनडीए की तो 3 से लेकर 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो ये मान के चलो कि बहुत ही शानदार ये टॉपिक आपका होगा आज की क्लास के अंदर। और ये टॉपिक मैं अगर बात करूँ, ट्रिग्नोमेट्री का सबसे हार्ड पोर्शन है। ट्रिग्नोमेट्री हालांकि बहुत सिंपल है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में सबसे हार्ड अगर किसी टॉपिक की बात की जाती है, बच्चों से सुना जाता है, तो ये वाला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। फटाफट से आ जाओ, स्टार्ट करता हूँ फिर मैं। अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी लर्निंग ऐप के पता नहीं हो तो मैं बता दूं, आप अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करिए, ऐसा आइकन आपको दिखेगा, आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करें। और ये कैटेगरी आपको चूज करनी है, एनडीए एयरफोर्स नेवी एक्स वाई कैटेगरी आपको चूज करनी है। और इस कैटेगरी को चूज करने के बाद में अगर किसी बच्चे को प्लस का सब्सक्रिप्शन अगर लेना हो तो आप 1 मंथ का चार्ज 1600 है, और 3 मंथ का चार्ज 4000 है, 6 मंथ का चार्ज आपके पास 6400 है। लेकिन अगर आप ये वाला कोड अप्लाई करते हैं, तो इससे आपको 10% ऑफ हो जाएगा, इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, 10% ऑफ आपका हो जाएगा। और आने वाले प्लस की जो क्लासें हैं उनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। फ्री क्लास के लिए भी अगर आपसे कहीं पूछा जाए कोड, तो आप ये वाला कोड अप्लाई कर देना, ठीक है। चलो जी, सारे के सारे बच्चे आ जाएं फटाफट से। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है टीम स्पेस आर एस सर, जहाँ पर हर क्लास का जो पीडीएफ है और हर क्लास का जो अपडेट है, हर कोई भी आपको अपडेट देना हो यहाँ पर प्रोवाइड आपको करवाया जाता है। तो यहाँ पर लगभग 26,500 बच्चे इसको ज्वाइन कर चुके हैं, 26,500 बच्चे इसके ऊपर अभी भी ज्वाइन है, तो आप इसको फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर क्लासेस का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारी टीम है, टीम आर एस सर, जो आपके लिए तन मन धन से दिन रात खड़ी रहती है, चाहे वो कोई सा भी मौसम हो, हर मौसम में आपके साथ रहती है। इतनी सर्दी होने के बावजूद भी संजय सर की क्लास सुबह 7:15 से स्टार्ट हो जाती है। अब इससे ज़्यादा डेडिकेशन क्या बच्चों की जान लोगे तुम लोग, इतना डेडिकेशन यार ये टीम आपको प्रोवाइड करवा रही है। शाम को 5 बजे तक कॉन्सेप्ट करिए, प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट करिए, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाता है, देख लीजिएगा। ये हमारी क्लासेस की टाइमिंग रहती है, अगर कोई बच्चा नया हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ये वाली क्लासेस की टाइमिंग है, याद रख लीजिएगा। आपसे ज़्यादा मेहनत तो सर आपके टीचर्स करते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो जी, अब जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं, एक बार आई लव माय पेरेंट्स का कमेंट कर देंगे, उसके बाद में 1 घंटे तक बिल्कुल पेटी पेक होकर बैठ जाएंगे। कॉन्सेप्ट आपके दिल दिमाग तक उतरने वाला है, ऐसा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊंगा। इसमें बहुत सारी रामायण होती है, तो लेकिन अपन अलग अंदाज से इस टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करेंगे, और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आपके पूरा समझ में आएगा। चलो आ जाओ भाई, फटाफट से आ जाओ, कल का पीडीएफ डाल दूंगा मैं, है ना। हाँ, पीडीएफ डाल दूंगा फटाफट से, एक बार सारे के सारे बच्चे क्लास को शेयर कर देंगे। जो भी बच्चा क्लास में आ चुका है, क्योंकि टॉपिक की स्टार्टिंग के अंदर ही ये मान के चलो कि 50% चीज़ें हो जाती है, ठीक है। चलो जी, फटाफट से सारे के सारे बच्चे आ जाएं, चलो स्टार्ट किया जाए आज का लेक्चर, स्टार्ट करता हूँ मैं आज की क्लास। और इस क्लास बहुत ही शानदार वाली क्लास आज की होगी। तो जो टॉपिक अपना रहेगा वो रहेगा आपके पास सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइंगल, सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। कि सर सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, इसको शॉर्ट के अंदर कई बार मैं SOT भी लिखूंगा, SOT है ना, SOT सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, शॉर्ट लगाएंगे इसके अंदर। ये चैप्टर समझ में आ जाता है तब तो शॉर्ट नहीं लगते, समझ में अगर नहीं आता है तो गलत होता है इसको, है ना इसका। और आपके लेवल के जो क्वेश्चंस आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, पूरी क्लास के अंदर मैं डिस्कस करूंगा कि आपको किस लेवल के क्वेश्चंस इसमें करने चाहिए। तो अपना जो चैप्टर है सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल है, या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल है, इनकी अपन बात करते हैं। तो क्या होता है एक ट्राइंगल के अंदर, तो एक ट्राइंगल के अंदर जैसे मान लो कि ये आपके पास एक ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल के अंदर ये वाला एंगल मैंने ए मान लिया, ये वाला एंगल मैंने बी मान लिया, ये वाला एंगल मैंने सी मान लिया। एंगल जो आपके पास ए है उसके सामने की जो साइड है इसको अपन स्मॉल ए से डिनोट करेंगे, एंगल बी के सामने की जो साइड है इसको स्मॉल बी से डिनोट करेंगे, और एंगल सी के सामने की जो साइड आपके पास है, ये वाला एंगल सी और इसके सामने की जो साइड है इसको अपन स्मॉल सी से डिनोट करेंगे। तो एक ट्राइंगल के अंदर आपके पास कितने पैरामीटर हो गए, कि सर इसके अंदर जो पैरामीटर है वो आपके पास एंगल है ए, एंगल है बी, एंगल है सी,
और एक आपके पास इनका जोड़ा किससे, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, मतलब ये तो पति हो गए और ये पत्नियां हो गई, है ना। तो इनके बीच में अपन रिलेशन बताएंगे कि किस तरीके का रिलेशन है, प्यार ज्यादा है कि प्यार में कमी है। जैसा कि आपने यहाँ पर प्यार मेरे लिए कम शो कर रखा है ना, कि 500 बच्चे अभी लाइव हैं, हमेशा हर क्लास में 700 बच्चे लाइव रहते हैं, तो फटाफट से जोश के साथ में अगर शेयर करो, हाँ प्यार में कमी है, प्यार में धोखा तो ठोका है। चलो जी, तो ये तो मान लो हस्बैंड, ये है उनकी बीवियां, तो इनके बीच में जो इंटर रिलेशन होगा वो किस किस प्रकार से होगा, अलग अलग मान्यताएं क्या है इनके रेस्पेक्ट में, वो हम चर्चा करेंगे, है ना। चलो जी, तो इन चारों, ये जो आपके पास है, ये जो तीनों एंगल्स हैं, ये तो एंगल्स है आपके पास, और ये जो है आपके पास वो क्या है, साइड्स है। तो कोई भी ट्राइंगल के अंदर जब ट्राइंगल का सोल्यूशन करते हैं, तो उसके अंदर उसका एंगल्स का और साइड का जो इंटर रिलेशन जो हम पढ़ते हैं, वो ही सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल होता है, सॉर्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इनसे रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो बेसिक चीजें आपको समझनी चाहिए, वो बेसिक चीजें क्या है, एक ट्राइंगल से रिलेटेड जो बेसिक चीजें हैं, सबसे पहली बात कि सर ट्राइंगल के तीनों जो एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो आपके पास क्या होता है, 180 होता है। किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर मतलब अंतः कोणों का योग जो होता है वो क्या होता है, 180 होता है। दूसरी चीज, एक आपके पास इस ट्राइंगल का जो पेरीमीटर होता है, इस ट्राइंगल का जो पेरीमीटर होता है मतलब भुजाओं की जो लंबाई होती है उसी को तो क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। वो जो आपके पास होगा वो डिनोट किया जाएगा किससे, 2s से। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आपके पास क्या होगा, 2s होगा। और इसको अपन क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ा जाता है पेरीमीटर। क्या पढ़ा जाएगा, पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होगा आपके पास परिमाप। तो भाई साहब ध्यान रखना आगे से कि जहां पे भी एस आपके पास लिखा हुआ है ना, एस जहां पे भी आपके पास लिख दिया, तो इस एस का मतलब बहुत काम में आता है ये। एस का मतलब होता है आपके पास ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। क्या होता है, एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। एस तो होता है आपके पास पेरीमीटर मतलब परिधि का या परिमाप का हाफ होता है, और टू एस जो होता है वो होता है भुजाओं के योग के बराबर। तीसरी चीज, कोई भी ट्राइंगल जो आपके पास बनता है, कोई भी जो ट्राइंगल आपके पास बनता है, उसके अंदर दो साइड का जो योग होता है वो हमेशा तीसरी साइड से ज्यादा होता है। क्या बोला, फिर से सुनना कि सर ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ये ए ये बी, और ये अगर आपके पास सी है, ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, तो ये जो साइड्स आपके पास है ए बी सी, उसके अंदर कोई भी दो भुजाओं का योग जो होता है वो तीसरी से हमेशा ज्यादा होता है। कि सर दो भुजाओं का योग, जैसे हमने ए प्लस बी किया तो सर ये सी से ज्यादा होगा, सर हमने बी प्लस सी किया तो ये होगा सर ए से ज्यादा, सर हमने ए प्लस सी किया तो ये किससे ज्यादा होगा, बी से ज्यादा होगा। और अंतर जो होता है वो तीसरी से हमेशा क्या होता है, कम होता है। जैसे मान लो कि मैं ए माइनस बी करूँ और इसका मोड करूँ, तो वो आपके पास सी से कम होगा। अगर मैं बी में से सी को माइनस करूँ और मोड करूँ, तो ये आपके पास ए से कम होगा। अगर मैं ए में से सी को माइनस करके मोड करूँ, तो ये आपके पास बी से कम होगा। तो इतनी गणित आपको समझ में आनी चाहिए कि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा होता है, और दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है, कम होता है। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया, है ना। बोलो इतना समझ में आया, इतना समझ में आ चुका होगा, ये वाली चीज आपके समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि सर इनके अलावा कुछ नहीं है दुनिया में। अगर आपको सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल ढंग से समझना है तो इतनी चीज तो आपको समझ में आनी चाहिए। बिल्कुल बेसिक से मैंने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। दो भुजाओं का योग तीसरे से ज्यादा, एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, और इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो आपके पास क्या होता है, 180। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा। अगर आपके पास कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी अगर आपके पास एपी में हो, अगर ये तीन एंगल अगर एपी में हो, तो ऐसे केस में ये जो एंगल होंगे, एक एंगल तो होगा आपके पास 30 और बी जो होगा वो होगा आपका 60 और सी जो एंगल होगा वो आपके पास 90। तो आप डायरेक्ट इनको काम में लोगे, है ना। अगर आपके पास तीन कोण समांतर श्रेणी में हो, तो पहला कोण 30, दूसरा कोण 60, तीसरा कोण 90 आपके पास होगा, ठीक है। कि कैसे हार जाऊं, कि कैसे हार जाऊं इस जंग में, मेरी माँ मेरी जीत का इंतजार किए बैठी है, मेरी माँ मेरी जीत का इंतजार किए बैठी है। सर पढ़ाओ आप तो, सर हम तो पढ़ने के लिए तैयार बैठे हैं, ठीक है। यही जज्बार यही जुनून चाहिए आप लोगों से हमारे को।
चलो जी, अब अपन स्टार्ट करते हैं कि सर सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में कौन कौन सी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका कंटेंट मैं आपके सामने लिख देता हूं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में आएगा क्या क्या, फिर उसको सीरियल वाइज एक एक को अपन टिक करते जाएंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे सर, वो होगा आपके पास सबसे पहला कि सर वो होगा आपका साइन ए रूल होगा। ठीक है, साइन रूल होगा। उसके बाद में दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो होगा सर अपना क्या, कोसाइन रूल। कोसाइन रूल मतलब कोज्या सूत्र होगा। तीसरा जो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे वो होगा आपका प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्या होगा? प्रोजेक्शन फॉर्मूला। प्रोजेक्शन का मतलब होता है सर प्रक्षेप। प्रोजेक्शन फॉर्मूला है ना, प्रक्षेप सूत्र, ये अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे टेंजेंट रूल पढ़ेंगे। टेंजेंट का मतलब होता है, इसका मतलब तो होता है ज्या, इसका मतलब होता है कोज्या, टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श्या। टेंजेंट रूल क्या होता है? टेंजेंट रूल। और ये जो टेंजेंट रूल होता है इसको अपन एक अलग नाम और दे देते हैं। मैथमेटिशियन था एक नेपियर, इसको नेपियर एनालॉजी भी बोल देते हैं। क्या होता है? नेपियर एनालॉजी या फिर टेंजेंट रूल होता है। ठीक है, समझ जाना, राइटिंग मेरी बेकार है, इसको सुधार भी नहीं सकता मैं। चलो जी, तो ये तो सर आपके पास रूल होंगे। उसके बाद में जो हम चर्चा करेंगे वो अपन चर्चा करेंगे हाफ एंगल फॉर्मूलों पे। हाफ एंगल फॉर्मूले क्या होंगे? हाफ एंगल फॉर्मूले, हाफ एंगल फॉर्मूले अपने पास आएंगे। उसके बाद में जो अपने पास आएगा वो आएगा आपके पास क्या, एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल कि एरिया अपन किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो चीज अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जो अपने पास आएगा वो आएगा आपके पास सरकम रेडियस। सरकम रेडियस, सरकम रेडियस और इन रेडियस है ना, सरकम रेडियस एंड इन रेडियस। ठीक है, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे, मतलब परिवृत्त की त्रिज्या और अंतः त्रिज्या। तो इस चैप्टर के अंदर इतनी रामायण आपको पढ़नी है। रामायण नहीं है, बहुत काम की चीज है। अब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, ऐसे मान लो कि जो भी बच्चा, भाई साहब इतना इतना तो आपको याद होना ही चाहिए, इतने इतने जो फॉर्मूले हैं, अगर आपको ये लास्ट वाला भी नहीं आता है ना तो काम चल जाएगा, लेकिन इतनी इतनी रामायण तो आपको आनी ही चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि ये इन्हीं के अंदर फॉर्मूले, इसके अंदर चैप्टर में फॉर्मूले बहुत आते हैं, बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाऊं। तो भाई साहब मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे आपको यूज करना है। एक चीज में जो भी बच्चे नए हैं उनको बता दूं कि यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ। ये जो कॉन्सेप्ट की क्लास होती है ये होती है आपकी 11 AM पर, और इसका जो आपका प्रैक्टिस सेशन होता है, सेम आपके पास प्रैक्टिस सेशन वो होता है आपके पास 2:30 PM पर। अगर आप ये प्रैक्टिस सेशन नहीं करते हैं तो वैसा भी कॉन्सेप्ट की क्लास छोड़ देना, ये कॉन्सेप्ट की क्लास छोड़ देना, भाग जाना। हाँ, सोना बाबू से मिलना, उससे मिल लेना, बात करनी हो कर लेना। अगर ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया और अगर ये प्रैक्टिस आपने नहीं करी तो सब कुछ बेकार है, सब कुछ रामायण रायता हो जाएगा भाई, है, समझ लेना इस चीज को। चलो जी, हाँ जी, अब अपन चर्चा करते हैं इसके बारे में। पहला जो रूल अपने पास है वो रूल है आपके पास साइने रूल। क्या रूल है? साइने रूल। जरा समझना कि साइने रूल क्या होता है। साइने रूल या इसको अपन क्या बोलते हैं, ज्या सूत्र। क्या होता है? ज्या सूत्र होता है। कि ये क्या बोलता है अपने को, एक्चुअल के अंदर साइने जो फॉर्मूला आपके पास होता है, एक ट्राइंगल के अंदर, फिर से बता दूं कि एक ट्राइंगल के अंदर जो तीन एंगल होते हैं, ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इनके सामने की जो साइड होती है स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ठीक है, तो इनके अंदर और साइन के अंदर, एंगल के अंदर ये रिलेशन होता है, ए अपॉन आपके पास साइन ए इक्वल टू आपके पास बी अपॉन साइन बी और इक्वल टू आपके पास सी अपॉन साइन सी। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। इसके बराबर में भी एक चीज लिखी हुई होती है, वो होता है आपके पास 2R। तो ये जो फॉर्मूला आपके पास होता है ये होता है साइन ए फॉर्मूला, एक्चुअल के अंदर साइन ए फॉर्मूला। कि सर ये आर कहाँ से टपक गया ये भी तो बताओ, आर कहाँ से टपक गया? ऊपर जो आपके पास है वो तो है साइड्स की लेंथ, ये जो आपके पास है वो क्या है, एंगल। ये जो आपके पास आर है ना वो इस ट्राइंगल की सरकम रेडियस है। क्या है? सरकम रेडियस। अब सरकम रेडियस क्या आ गया सर हिंदी में बोलो, हम तो मारवाड़ी आदमी है। सरकम रेडियस का मतलब है परित्रिज्या। परित्रिज्या सर कहाँ से आ गई? ये परित्रिज्या कहाँ से उठ के आ गई? मैं करवाऊंगा, इसका भी करवाऊंगा। हाल फिलहाल तो आप इतना सा फॉर्मूला ही ध्यान दे लेना। परित्रिज्या का मतलब क्या है? कि कोई भी ट्राइंगल के तीनों शीर्षों से गुजरने वाला जो वृत्त आपके पास बनता है, इसकी जो त्रिज्या होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, परित्रिज्या। परी है ये, परी है, समझ गए, परी है ये।
लेकिन अपन ये फॉर्मूला अलग टाइप से भी काम में ले सकते हैं। अगर आप इस फॉर्मूले को ऐसे लिखना चाहो, साइन ए अपॉन स्मॉल ए और इक्वल टू आपके पास साइन बी अपॉन स्मॉल बी और इक्वल टू आपके पास साइन सी अपॉन स्मॉल सी, अगर आप ऐसा लिखना चाहो तो भी आप आराम से लिख सकते हो, ऐसा भी आप लिख सकते हो। ठीक है, आपने देखा होगा कि ऐसा लिखा हुआ होता है एक्चुअल के अंदर, ये फॉर्मूला ऐसा होता है रियल के अंदर, ठीक है ना। तो इसके बराबर में टू आर होता है, लेकिन इसको अपन बाद में काम में लेंगे। तो ये है आपके पास क्या, साइन ए फॉर्मूला। सर कहाँ पे यूज करेंगे, कहाँ पे यूज करेंगे ये सुन लो, ये कि सर इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए या तो अपने पास देखो चार चीजों के अंदर से कोई सी तीन होनी चाहिए। चार चीजें कौन सी कि सर, या तो आपके पास दो एंगल और एक साइड, तीन चीजें होनी चाहिए इसके लिए, दो एंगल और एक साइड या दो साइड्स और एक एंगल। क्या बोला, फिर से ध्यान से सुनो, इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए या तो दो एंगल और एक साइड या दो साइड या एक एंगल अपने पास होना चाहिए। सर इसका यूज करके बताओ, ये नहीं आया हमारे, चलो इसका यूज करना सिखाते हैं आपको कि इसका यूज आपके पास क्या होगा। जैसे पहला नमूना देखिएगा, पहला नमूना देखना कि मैं ये नमूना लिखता हूं कि अगर आपके पास ट्राइंगल के अंदर ये जो ए बी और सी है, अगर वो आपके पास एपी में है, अगर ये आपके पास एपी में हो तो भुजाओं में क्या अनुपात होगा, भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात बताओ, भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात क्या होगा। अगर ए बी सी आपके पास एपी में हो तो भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात क्या होगा, बोलो भाई, लंबाइयों का अनुपात, इसके बारे में जरा चर्चा करिए सर। लंबाइयों का जो अनुपात होगा, इसका मतलब क्या पूछा, इसका मतलब अपने को पूछा ए कोमा ए अनुपात बी अनुपात सी के बारे में अपने से पूछा जा रहा है। ठीक है, जरा समझना कि सर आपने अभी ये बताया कि ए बी सी जब एपी में है, कोई भी ट्राइंगल के तीन एंगल अगर एपी में है, इसका मतलब ए तो क्या होगा, 30 होगा। सर बी कितना होगा कि बी होगा 60, और सर सी कितना होगा, सी होगा आपके पास 90 होगा। ठीक है, इसका मतलब आपके पास इन तीनों में रिलेशन ऐसा होगा, ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी और सी बरा सी अपॉन साइन सी आपके पास होगा, ऐसा होगा। यहाँ पे आप वैल्यू रख दो तो क्या आएगा आपके पास, ए अपॉन साइन 30 और साइन 30 की वैल्यू 1/2, और आपके पास बराबर में बी अपॉन साइन 60 आ जाएगा और इक्वल टू सी अपॉन साइन 90 आ जाएगा। वैल्यू रखो और कैलकुलेट करो क्या आएगा आपके पास, कि आएगा आपके पास, आप क्या करो देखो, अच्छा यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर दी, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक बार साइन 30 ही लिख देता हूँ। चलो जी देखते हैं कि सर ए के जो नीचे आएगा वो आएगा आपके पास 1/2, और बी के नीचे आएगा वो आएगा √3/2, और सी के नीचे आपके पास क्या आएगा, 1। ये रेशियो है, नीचे जो आया आपके पास वो रेशियो है, क्या क्या रेशियो आया सर कि 1/2 √3/2 और √1, और इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 1 √√3 क्या आ जाएगा, 2। बोलो आया क्या, तो ये आपके पास एक्चुअल के अंदर आंसर होगा 1 √√3, है ना। तो ये आपके पास इसका आंसर आएगा भाई, ध्यान से समझ लेना ये वाली चीज, आपके पास ये रेशियो आएगा, रेशियो के अंदर अपन मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये पहला नमूना जो मैंने आपके सामने पेश किया, अगला नमूना भी पेश करो सर, अगला नमूना भी पेश करो। तो ऐसे केस में कि सर ए बराबर आपको दे रखा है 3, ए बराबर 3 दे रखा है, बी बराबर अगर सर 4 दे रखा है, और अगर आपके पास सर साइन ए के बराबर अगर हमारे को ऐसा दे रखा है 3/4, साइन ए के बराबर जब हमारे को 3/4 दे रखा है, तो एंगल बी के बारे में बताओ और एंगल सी के बारे में भी बताओ हमारे को कितना होगा। चलो पहले आप बी कैलकुलेट कर लो, बी ही कैलकुलेट कर लो कि सर मैंने क्या कहा था आपको कि दो साइड्स और एक एंगल या दो एंगल और एक साइड, तो जरा समझो इसके अंदर क्या क्या दे रखा है आपको कि सर यहाँ पे दो साइड और एक एंगल दे दिया, दो साइड और एक एंगल दे दिया। तो ऐसे केस में तो सर साइन ए फॉर्मूला यूज करेंगे, और साइन ए फॉर्मूला आपके पास क्या होगा कि सर साइन ए अपॉन स्मॉल ए और साइन बी अपॉन स्मॉल बी। अब आपको क्या निकालना है, बी निकालना है, साइन बी की जो वैल्यू आपके पास होगी वो क्या होगी, वो होगी बी अपॉन ए इंटू साइन ए होगा। तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है आपके पास, 4, a की वैल्यू 3, और ये होगा 3/4, इससे ये कैंसिल, तो कितना आ गया आपके पास, 1 आ गया। कि सर साइन b बराबर 1 आया, इसका मतलब b बराबर बोलो कितना आया, 90, b बराबर आपके पास कितना आया, 90 आया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया बेटा,
समझ में आया कि नहीं आया? सर 750 बच्चे लाइव, और इसमें से कंजूस बच्चे कितने हैं? 630 लाइक है। मतलब क्या करोगे, अचार डालोगे? अरे भेज दो यार, प्यार एंड सपोर्ट में कमी है कंजूस इंसान। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? एक बार एग्री कर दो भाई साहब, है ना? और मेरा एग्रीमेंट लव यू, हाँ लव माई पेरेंट्स लिखकर किया जाता है। अगर कोई बच्चा नया हो तो समझ जाए कि सर का जो एग्रीमेंट होता है, कोई एग्रीमेंट करवाते हैं सर, तो आई लव माई पेरेंट्स लिखकर करवाया जाता है। ठीक है, फटाफट से अगर यहां तक समझ में आया कि नहीं आया बता दो फटाफट से, बोलो। अरे समझ में आ गया? अरे इसमें भी कंजूसी, मतलब तुम्हारे से कुछ भी करवा दो है? अच्छा चलो जी, तो ये आपके पास क्वेश्चन हो गया है। याद रखना, दो साइड्स एक एंगल, या दो एंगल और एक साइड, तो आपका काम हो जाएगा। तो एक छोटा सा नमूना था ये तो। अरे बड़े बड़े नमूने आएंगे अभी, तो देखे जाओ तुम क्या क्या देखा है आपने। चलो एक और नमूना दिखाते हैं सर, है ना? कि सर हमारे पास एक और थोड़ा बड़ा सा नमूना दिखाओ, अच्छा सा नमूने है। कि सर ऐसा दे रखा है आपको कि बी रेशियो सी, बी और सी का जो अनुपात है वो आपको दे रखा है अंडर रूट 3/2 दे रखा है। बी अनुपात सी दे रखा है अंडर रूट 3/2। देन आपको एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी फाइंड आउट करो। एंगल बी एंड एंगल सी फाइंड आउट आपको करना है। स्मॉल का मतलब साइड है और कैपिटल का मतलब एंगल है। जरा समझना कि सर ये तो वही चक्कर डाल दिया। क्या डाल दिया? कि सर सेम साइड है, बी और सी ए एंगल है, और बी और सी मतलब सेम साइड सेम एंगल है। इसका मतलब चक्कर चल जाएगा इसका, और वो कहां से चलेगा? आप देखो कि साइन बी अपॉन बी बराबर आपके पास क्या है, साइन सी अपॉन स्मॉल सी है। ठीक है, इसका मतलब पहले वाले को गायब कर देंगे। क्यों? क्योंकि जरूरत नहीं है उसकी। इसका मतलब आपके पास बोलो क्या आ जाएगा, साइन बी अपॉन साइन सी बराबर आपके पास क्या आ गया, बी अनुपात सी आ गया। बोलो आया सर, बी अनुपात सी हमारे को दे रखा है, और वो कितना है, अंडर रूट 3/2। अंडर रूट 3/2 साइन बी अपॉन साइन सी बराबर अंडर रूट 3/2। तो ऐसे केस में क्या करते हैं भाई साहब, साइन सी की वैल्यू 2 हो सकती है या नहीं हो सकती? तो आपको इन दोनों के अंदर ऊपर नीचे उस नंबर से डिवाइड करना है जो एक साइन में कोई एंगल की वैल्यू बन जाए। साइन में एंगल की वैल्यू कब बनेगी कि सर इसको अगर मैं ऐसा लिखूं, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दूं, अंडर रूट 3 को भी मैंने 2 से डिवाइड कर दिया और 2 को भी मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, बन जाएगा क्या? कि सर हाँ बन गया। ये तो कैसे बना कि सर ये तो साइन 60 की वैल्यू है और ये सर आपके पास 1 जो है वो 90 की वैल्यू है। लो रे कमाल हो गया। इसका मतलब सर बी बराबर तो कितना होगा, 60, और सी बराबर आपके पास कितना होगा, 90 होगा। और कई आपको इसको मेकअप करके दे देते हैं कि सर ए बी बताओ। अरे ए बी बता देंगे सर, तीनों कोणों का योग होता है 180, तो ए कितना होगा, ए हो जाएगा 30। और अगर मैं कहूं इसके अंदर कि ये जो ट्राइंगल है वो कौन सा होगा, तो ये होगा सर राइट एंगल ट्राइंगल। क्या होगा बोलो? राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज होगा। बोलो समझ में आया क्या? अरे समझ में आया इतना? हाँ कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया, बिल्कुल बिल्कुल कमाल होगा भाई, कमाल होगा, बिल्कुल होगा कमाल। ये इतना समझ में अगर आपके आ गया तो मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ फिर, ठीक है ना? ये साइन ए फॉर्मूला, दो एंगल एक साइड, या दो साइड्स और एक एंगल। ठीक है चलो जी, आगे इसकी बात करते हैं। इन सब की बातें, इनको मिक्सअप करके जो क्वेश्चंस बनेंगे ना आपके, लूसेंट आर एस अग्रवाल चाहे जो उठा लेना, ठीक है ना? किसी की औकात नहीं है, क्वेश्चन आप उड़ा दोगे। एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लो, प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद में उठाना। चलो जी आगे अपन चलते हैं अपनी दूसरी एनालॉजी पे, और वो है आपके पास क्या बेटा, कोसाइन फॉर्मूला। कोसाइन फॉर्मूला, तो कोसाइन फॉर्मूले के बारे में अपन जांच करते हैं कि ये क्या होता है। कोसाइन का फॉर्मूला होता है मतलब कोज्या सूत्र होता है, और बड़ा कमाल का फॉर्मूला बनता है सर। इसका मतलब ये होता है, कोस ए का मतलब होता है कि सर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ये फॉर्मूला होता है। मतलब इसको क्या होता है कि अपने सामने वाले से थोड़ा सा वो होता है, खिटपिट होती है, समझ गए क्या? तभी तो माइनस कर दिया इसको। दूसरे वालों के साथ में इसका चक्कर चलता है कि सर ट्राइंगल तो ये है, इसमें ए ये है, बी ये है, सी ये है, तो इसका मतलब ये ए है, इसका बी है, इसका भाई साहब ए का जोड़ा तो ए के साथ में है ना, कैपिटल ए का जोड़ा तो स्मॉल ए के साथ में है, और कैपिटल बी का बी के साथ में। लेकिन कोस को क्या है, अपनी खुद की वाली जो है ना उससे थोड़ी सी खिटपिट होती है इसकी, है ना? तो इसी वजह से क्या कर देते हैं, इसको खुद वाली के साथ में माइनस कर देते हैं, इसका प्यार घटा देते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास पहला कोस ए का फॉर्मूला।
कोस ए का फॉर्मूला तो खुद वाले को घटा दिया। अब कोस बी के बारे में बात करूं मैं, कोस बी के बारे में तो इससे खिटपिट होगी बी से, इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन क्या होगा, वो होगा 2ac होगा। ये कोस बी का फॉर्मूला। अगर मैं लिखूं सर कोस सी का फॉर्मूला तो माइनस क्या होगा, सी होगा। इसका मतलब होगा सर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर अपॉन क्या होगा, बोलो जी। ये फॉर्मूले आपके पास बन गए, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, कोसाइन फॉर्मूला है, क्योंकि इस चैप्टर में जो खेल है ना वो फॉर्मूलों का ही है। और फॉर्मूले याद तब होंगे अपन को, फॉर्मूले याद तब होंगे जब अपन इनको इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट जब तक नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा बेटा, ठीक है। ये अब इससे सर फॉर्मूले कैसे बनते हैं वो जरा समझो, इससे फॉर्मूला जो बन सकता है वो कैसे बनेगा। अगर इस 2bc को आप इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2bc को अगर आप इधर मल्टीप्लाई करो और ए स्क्वायर को अगर आप इधर ट्रांसफर कर दो, तो आपके पास जो फॉर्मूले बनते हैं वो फॉर्मूले चेंज हो सकते हैं। 2bc का फॉर्मूला क्या होगा, इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ा मेकअप में अगर लिख दूं, तो सर ये होगा आपके पास 2bc cos a जो आपके पास होगा वो होगा सर आपके पास b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस का होगा a स्क्वायर होगा। अगर इसमें थोड़ा सा मेकअप और कर दूं मैं कि सर 2ac को इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब होगा सर 2ac cos b जो आपके पास होगा वो होगा आपके पास a स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस आपके पास होगा b स्क्वायर। अगर सर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो कि ये आएगा सर 2ab cos c बराबर आपके पास आएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का आपके पास सी स्क्वायर। बोलो भाई इतना समझ में आया कि नहीं आया, इतना समझ में आ गया क्या, बोलो फटाफट से यस कर दो। हाँ, चलो जी बहुत बढ़िया। तो ये बात है आपके पास इस कोसाइन फॉर्मूले में, फॉर्मूला याद करो, लॉजिक कहाँ पे अप्लाई करते हैं अभी बता दूंगा मैं। अब ये कोसाइन फॉर्मूला तो आपके पास कोस जहां पे यूज होता है, एक तो इस कोसाइन फॉर्मूले के अंदर होता है, एक कोस और यूज होता है, स्क्रीनशॉट ले लेना नहीं तो मैं पीडीएफ दूंगा वहां से लिख लेना। चलो जी, तो तीसरी जो अपने पास है वो है आपके पास प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्या है सर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ये क्या भला आ गई सर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, जरा समझना प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या है, याद करवा दूंगा अभी अभी याद करवा दूंगा, जिंदगी में नहीं भूलोगे। प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या है, प्रोजेक्शन का मतलब है छाया, छाया उसकी छाया जब हमारे पे पड़ी सर छाया ही काफी है हमारा, है दिल तोड़ने के लिए छाया ही काफी है। तो प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, प्रोजेक्शन का मतलब होता है प्रक्षेप, प्रक्षेप का मतलब होता है छाया। तो छाया किसकी किस पर पड़ी, छाया कि वो देखो सर छाया आपकी इस तरीके से पड़ेगी। समझना जरा कि सर ये तो आपके पास क्या है कैपिटल ए, ये है सर कैपिटल बी और ये है सर कैपिटल सी। यहां पे अगर मैं परपेंडिकुलर डाल दूं, लंब डाल दूं, सर ये जो पूरी साइड है वो है ए, ये जो पूरी साइड है वो बी और ये सर पूरी साइड सी। आगे बात समझ में, ये वाला एंगल अगर बी है तो यहां से लेकर यहां तक की जो साइड आएगी, यहां से यहां तक की जो साइड आएगी, अगर आप इसमें 90 डिग्री है ना, ये अगर आप इसमें फॉर्मूला लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि सर ये वाली जो साइड है ना वो आएगी सर सी कोस बी आ जाएगी। सर ये वाली साइड बताओ, ये वाली आएगी इस साइड और ये एंगल कोस के साथ में, इसका मतलब बी कोस सी आ जाएगा। कि सर इसमें भी चक्कर चलता है क्या, बिल्कुल सबके अंदर चक्कर चलता है। 90 जब यहां पर हो गया तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस आएगी वो ये वाला एंगल और ये वाली साइड, ये वाला एंगल ये वाली साइड, ये वाली साइड क्या है ए, तो इसका मतलब ये क्या आएगा आपके पास ए कोस बी आ जाएगा। कि सर ये वाली साइड यहां से यहां तक की, अरे ये 90, ये एंगल ये साइड, इसका मतलब सर बी कोस ए आ जाएगा, ठीक है। सेम 90 अगर आप यहां पे प्रोजेक्ट करोगे तो ये वाली जो साइड आएगी वो ये तो एंगल आ गया और ये साइड, मतलब क्या कि सर ए कोस सी। सर ये वाली साइड कि सर ये तो आपके पास एंगल कौन सा आया ये, और साइड कौन सी आएगी ये वाली, इसका मतलब आपके पास क्या आ जाएगा सी कोस ए आ जाएगा, सी कोस ए। अब आप बताओ कि मैं अगर ए के बारे में लिखूं मैं कि ए क्या होगा, तो आप क्या कहोगे सर इन दोनों का योग कर दो। सर बी क्या होगा कि सर इन दोनों का योग कर दो। कि सर सी क्या होगा इन दोनों का योग कर, अरे बिल्कुल लल्लू लपाट है। तो इसका मतलब इसका प्रोजेक्शन, इस साइड की जो छाया है वो इधर पड़ी कहां पे, यहां पे, इस साइड की जो छाया है वो नीचे आई यहां पे, और इसी को बोल देते हैं अपन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्या होता है प्रोजेक्शन फॉर्मूला,
तो इस प्रोजेक्शन फॉर्मूले को अपन इस तरीके से लिखेंगे, ए के बराबर आपके पास क्या होता है, ए के बराबर होता है सी कोस बी प्लस आपके पास बी कोस सी होता है, ठीक है, ए के बराबर। अगर मैं लिखूं कि बी के बराबर क्या होगा, तो बी के बराबर होता है आपके पास ए कोस सी और प्लस आपके पास सी कोस ए होता है। अगर मैं बात करूं आपके पास स्मॉल सी के बारे में, तो स्मॉल सी जो आपके पास होगा वो क्या होगा, ए कोस बी और प्लस आपके पास बी कोस ए होगा। तो ये होता है सर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। बोलो भाई साहब, छाया पड़ी कि नहीं? नहीं तो छाया आ जाती है भाई साहब, है छाया आ जाती है। देखा होगा कभी तेजा जी की छाया आते हैं, हाँ पूरा वाइब्रेट कर देंगे, पूरा वाइब्रेट, तो छाया आपके अंदर घुसी होगी छाया। चलो जी, ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, बोलो आया कि नहीं आया फटाफट से। प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अच्छा थोड़ा सा रिपीट करके बताऊं, जरा समझना, पूरा ही रिपीट कर देता हूं आप लोगों के लिए, फिर से समझना बेटा। प्रोजेक्शन के लिए फॉर्मूला याद करने की जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कि सर ये तो आपने जो ट्राइंगल लिखा था बिल्कुल एक्चुअल सही बात है, सही है, यहाँ पर आपने परपेंडिकुलर डाल दिया था और इसकी लेंथ ये ए था, ये बी था और ये सर सी था, इसके सामने सर ये सी, ये ए और ये क्या हुआ बी। जरा इस ट्राइंगल के अंदर देखिएगा, इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल क्या है बी। अगर मैं इसके अंदर लिखूंगा कोस थीटा का फॉर्मूला लगाऊं कि सर कोस बी का फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा सर आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या बेस मतलब आधार, आधार बटा कर्ण होगा, ठीक है। बेस कितना सर, ये तो मेरे को कैलकुलेट करना है, तो सर हाइपोटेन्यूज को इधर मल्टीप्लाई कर दो ना, तो इसका मतलब बेस जो आपके पास आएगा वो आएगा हाइपोटेन्यूज कर्ण इनटू कोस बी आ जाएगा। और कर्ण कितना है सी है, इसका मतलब ये क्या आया था आपके पास, ये आया था आपके पास सी कोस बी। हाइपोटेन्यूज को एंगल से मल्टीप्लाई कर दो तो वो आ जाता है हाइपोटेन्यूज, इसमें ये 90 है तो हाइपोटेन्यूज बी हुआ, इसका मतलब क्या आया बी कोस, एंगल कौन सा है ये सी है, तो बी कोस सी। अब सेम परपेंडिकुलर इस पे डाल दिया आपने, अब इसका मतलब सर हाइपोटेन्यूज कौन सा हुआ ए और एंगल कौन सा हुआ सी हुआ, इसका मतलब क्या हुआ ए कोस सी। तो इस तरीके से मैंने पूरे ट्राइंगल में लिखे थे। बोलो आया कि नहीं आया प्रोजेक्शन, हाँ तेजा जी महाराज की जय बोल दी बच्चे ने। अरे बेटा आया कि नहीं आया, अब तो हाइपोटेनियस को एंगल से मल्टीप्लाई कर दो, ये प्रोजेक्शन आ जाता है। यहाँ पे अगर मैं बल्ब लगाऊं तो इसका जो प्रोजेक्शन है, इस लाइन की जो छाया है वो नीचे गिरेगी इधर, समझ गए क्या? हाँ चलो जी, अब हो गया याद, अब याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा, सपनों में भी नींद है, हाँ सपनों में भी याद आएगा। ये है सर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। सर इसका यूज बताओ हमारे को, तो इसका यूज बताओ, तो इसका यूज आपको बताते हैं। अब कुछ नमूने देखते हैं अपन, है ना, कुछ नमूने देखते हैं, नमूनों के साथ में ही अपन काम करेंगे। चलो जी, तो सबसे पहले मैं बात करूं आपसे कि सर ये फॉर्मूला वैलिड कहाँ पे है, ये फॉर्मूला कहाँ पे लगेगा, ये फॉर्मूला कहाँ पे लगेगा, तो ध्यान देना। इसके लिए मैं नोट पॉइंट आपको लिखा देता हूँ, नोट पॉइंट लिखा देता हूँ कि ये फॉर्मूला जो कोसाइन फॉर्मूला है वो कहाँ पे अप्लाई होगा। देखो प्रोजेक्शन का क्वेश्चन तो सिंगल पावर में आएगा, सिंगल पावर अगर आपको एक ही दिखती हो, सिंगल पावर में अगर कहीं पे दिखता हो, तब तो आप क्या लगाओगे प्रोजेक्शन फॉर्मूला, प्रोजेक्शन फॉर्मूला। साइन वाले के बारे में बता दिया, दो एंगल आते हैं एक साइड आती है, या दो साइड और एक एंगल, ठीक है प्रोजेक्शन लगा दो। फिर आपके पास कोसाइन फॉर्मूले के अंदर या तो आपके पास तीन साइड दी हुई आती है, तीन साइड अगर दी हुई हो, अगर आपको एंगल पूछ लिया जाए उनके बीच में तब लगा सकते हैं। दूसरा आपके पास दो साइड्स के बीच का एंगल, लिख लेना भाई, दो साइड्स के बीच का एंगल अगर दिया हुआ हो तब अपन इसको यूज करते हैं। दो साइड्स और उनके बीच का एंगल अगर दे रखा हो तो अपन इसको यूज करते हैं, ठीक है बेटा। और आ गई क्या बात समझ में? चलो जी, है ना, दो साइड्स और उनके बीच का एंगल अगर दे रखा हो तब अपन इसको यूज करते हैं। चलो जी, एक क्वेश्चन कराता हूं, उसके आगे अपन बढ़ेंगे फिर, है ना, एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल निपटा देंगे। चलो जी, एक सवाल देता हूं आपको, ये नमूना पेश किया जा रहा है आपके सामने, जरा एग्री करिएगा कि सर ये क्वेश्चन है आपके पास बी प्लस सी कोस ए प्लस आपके पास ए प्लस सी कोस बी है, और प्लस आपके पास है कि सर ए प्लस बी कोस सी है, तो इसकी वैल्यू बताओ सर कितनी होगी, इसकी वैल्यू बताओ सर कितनी होगी। बहुत ही शानदार सवाल है, अगर किसी बच्चे को आता है तो कमेंट कर दीजिएगा, और नहीं आता है तो समझ लीजिएगा कि कैसे समझेंगे सर, ठीक है। नमूना देखो कि सर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, कर दे भाई,
इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो इसका मतलब बी कोस ए प्लस स्मॉल सी कोस ए आ जाएगा, प्लस आपके पास क्या आ जाएगा ए कोस बी प्लस आपके पास सी कोस बी आ जाएगा। अभी अभी लिखाया मैंने, अभी अभी लिखाया था थोड़ी देर पहले ही कि सर ए कोस सी प्लस बी कोस सी। अरे भाई साहब दिखा कि नहीं दिखा बताओ। अरे भाई साहब याद करो प्रोजेक्शन को, प्रोजेक्शन को याद करो। ये जो ए है वो ये हाइपोटेनस था, ये सी था, ये बी था, तो ये किसके बराबर हुआ था आपको याद है क्या? ए जो आपके पास था वो किसके बराबर था कि सर सी कोस बी प्लस बी कोस बी, ये आपके बी कोस सी के बराबर था, समझ गए क्या? ए किसके बराबर था? सी कोस बी प्लस बी कोस सी। तो यहाँ पे छांटो, ऐसी गणित छांटो इसके अंदर से कि सर एक तो आपके पास ये देखो कोस बी और कोस सी, कोस बी और कोस सी, ये रहा देखो कोस बी और कोस सी, देखो सी कोस बी, सी कोस बी प्लस बी कोस सी, सी कोस बी, ये रहा देखो इसका जोड़ा बैठ गया इसके साथ में, इसका जोड़ा बैठ गया ना इसके साथ में, प्लस करना है तो इसका मतलब क्या हो गया सर? ये तो हो गया ए, ये तो क्या हो गया ए। फिर अगर मैं बात करूं, अगर इन दोनों की अगर मैं बात करूं, इन दोनों की अगर मैं बात करूं सर, ये किसका फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला है बोलो, ये किसका फॉर्मूला है आपके पास ए को, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट थोड़ा सा रेज करना पड़ेगा, चलो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ये वाला नहीं है ना, ये ए कोस सी प्लस सी कोस ए, ये दोनों का चक्कर बैठेगा, इन दोनों का चक्कर बैठेगा सर, इसका चक्कर ये बैठेगा बी के साथ में सर, इसका चक्कर बैठेगा इसके साथ में, इसके साथ में, ठीक है? तो ये क्या होगा आपके पास? सी होगा। तो इसका मतलब सर ए प्लस बी प्लस सी आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, राइट आंसर होगा ए प्लस बी प्लस सी। और देखो नमूने, तब तक फॉर्मूले आपको याद होते रहेंगे, और देखो नमूनों की कमी नहीं है इस दुनिया में। हाँ जी चलो जी, वैल्यू बताओगे आप, इसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास? वैल्यू बी सी कोस ए प्लस आपके पास ए सी कोस बी और प्लस आपके पास ए बी कोस सी। चलो बोलो भाई इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? लगाओ फटाफट से कोसाइन फॉर्मूला और जवाब दे दो कि सर इसकी वैल्यू हमारे को याद है और इसके बराबर होगी। बोलो भाई क्या होगा आपके पास इसका राइट आंसर फटाफट से? अरे कोसाइन फॉर्मूले को थोड़ा सा वो राउडी राठौड़ भी करते हैं ना ऐसा दिमाग ऐसे घुमाते ही, है ना, थोड़ा सा 5 मिनट पहले की तरफ दिमाग को दौड़ाओ कि क्या था सर, क्या था, बोलो फटाफट से। जीरो आया, बच्चे ने आंसर दिया जीरो, एक बच्चे ने दिया ए प्लस बी प्लस सी, गलत बात है, जीरो दिया आंसर बच्चे ने, ए बी सी दिया, सबने अलग अलग आंसर दिया यार, है हाँ जी बताओ 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 फटाफट से बताओ क्या आपके पास क्वेश्चन का सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर? जीरो आएगा क्या? है लड्डू, चलो खा लो लड्डू। इसका मतलब सर बी सी कोस ए का मतलब क्या है? सर बी सी कोस ए का मतलब है, ए आ गया ना, कोस ए का फॉर्मूला लगाओगे तो इसका मतलब सर ये होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और ये आएगा सर 2 आएगा, समझ गए बात को। इसका मतलब सर ये दूसरा वाला क्या आएगा? सर ये आएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन क्या आएगा 2 आएगा। ये तीसरा वाला क्या आएगा? ए बी को सी जो आपके पास आएगा वो आएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर अपॉन 2। अरे भाई फॉर्मूला लिखाया था, केवल यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था और आप कंफ्यूज हो गए। चलो भाई साहब मैंने क्या लिया, 2 एलसीएम लिया, तो सर ये तो कटेगा इससे, ये कटेगा आपके पास इससे और ये कटेगा सर इससे। इसका मतलब क्या क्या बचा कि सर ये बचा आपके पास कि ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर अपॉन 2 बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2 आपके पास बच गया। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2 आपके पास राइट आंसर होगा। एक आपको ये जो फॉर्मूला है वो वहां पे अप्लाई करना है जहां पे कोई एंगल, तीन साइड देकर अगर कोई एंगल पूछ लिया जाए, तीन साइड देकर अगर कोई एंगल पूछ लिया जाए तब भी आप कोसाइन फॉर्मूला ही यूज करोगे। जैसे मान लो कि मैंने लिख दिया कि सर 2, 3 और अंडर रूट 19 है, 2, 3 और अंडर रूट 19 है कि सर सबसे बड़ा एंगल फाइंड आउट करो, सबसे बड़ा एंगल, सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट एंगल फाइंड आउट करना है, तो जरा कॉन्सेप्ट सुनो इसका कि सर कैसे पता चलेगा। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी जो साइड आपके पास होती है, सबसे बड़ी साइड
के सामने का एंगल, सबसे बड़ी साइड के सामने का जो एंगल होता है, सामने का एंगल वो भी सबसे बड़ा होता है। याद कैसे करोगे कि सर तीन भाई हम हैं, आप और आपसे बड़ा है, एक उससे भी बड़ा है, कि सर ये तो है बिग ब्रदर, ये तो बिग ब्रदर, उसके बाद में सर थोड़ा सा छोटा ब्रदर, उसके बाद में सर हम है जो हमारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो भाई साहब उम्र में सबसे बड़ा ये, उससे छोटा ये, सबसे छोटे आप, तो इसकी जो वाइफ होगी अरे वो भी तो उम्र के अंदर वैसी आएगी। मैंने कहा था एबीसी स्मॉल एबीसी, हस्बैंड वाइफ है और हस्बैंड वाइफ है तो बड़े भाई साहब की जो पत्नी है उसकी उम्र आपकी जो दोनों वाली है ना उसमें से क्या है, सबसे बड़ी। समझ गए, इसका मतलब सबसे बड़ी साइड के सामने का एंगल सबसे बड़ा होता है, सबसे छोटी साइड के मतलब आपकी जो आएगी ना आपकी वाली, उसकी जो एज होगी वो उन दोनों भाइयों से कम होगी। समझ गए, दोनों भाभियों से कम होगी। हाँ जी, तो सबसे बड़ा कैसे पता करें कि सर इसकी वैल्यू, सर चार का स्क्वायर 16 होता है तो 19 का स्क्वायर रूट 4 point something होगा। पकड़ लिया, यहां से पकड़ा, 19 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 4 point something होगा। इसका मतलब चक्कर तो इसका ही है, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, इसको ए माना, इसको बी माना, और इसको अगर मान लो सी माना, तो इसके सामने का एंगल आपको फाइंड आउट करना है। इसके सामने का एंगल कौन सा बोलो, इसके सामने का एंगल होगा सर कोस सी, कोस सी होगा। तो कोस सी के लिए क्या करेंगे अपन कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर अपॉन कर देंगे सर 2ab। सर बैठ गया दिमाग में कि ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है सर, कितनी 4 प्लस आपके पास 9 और माइनस आपके पास 19 अपॉन आपके पास 2ab। अगर आप करोगे 2 × 2 × 3 इसका मतलब बोलो कितना आया, 9 और 4 13 सर माइनस का 6 बच गया और नीचे आपके पास 12 है तो बोलो कितना आया, माइनस का 1/2 आया। क्या आया सर, माइनस 1/2। अरे कोस के अंदर माइनस 1/2 वैल्यू किसकी होती है, वो होती है 120 डिग्री की होती है, 120 की होती है। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया, अरे अब तो एग्री कर दो यार, याद करवा दिया। सबसे बड़ी के सामने वाली बड़ी होगी, समझ गए, हाँ आपकी वाली सबसे छोटी होगी, तुम सबसे छोटे हो। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट से बता दो। अरे दिल से आवाज अगर आए ना, आपके दिल से अगर आवाज आए, और दिल अगर किसी दूसरे को दे रखा है तब की बात अलग है ना, आपके दिल से अगर आवाज आती है, दिल दूसरे को दे रखा है तो दो दिलों से आवाज आएगी फिर। अच्छा हाँ, माधुरी दीक्षित याद आ रही है तुम्हारे को, आज आज नहीं आई माधुरी दीक्षित, छुट्टी पर है आज भाई, है माधुरी दीक्षित छुट्टी पर है बेटा, आज माधुरी दीक्षित आई नहीं है, यहाँ पे छुट्टी पे है। चलो जी, एक क्वेश्चन और आता है इसी का। अब आपको जब दे दिया सर कि ये दे दिया कि x दे दिया और y दे दिया और एक दे दिया आपके पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, है ना। इसके अंदर सबसे बड़ा एंगल बताइए, इसके अंदर पूछा है सर आपको सबसे बड़ा एंगल बताओ, सबसे बड़ा एंगल बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, आप देखो कि सबसे ये जो टर्म होती है ना ये ग्रेटेस्ट होती है, सबसे बड़ी आपके पास ये होती है, ये सबसे बड़ी भुजा होती है, ग्रेटेस्ट है ना। अब अगर ये ग्रेटेस्ट है तो इसको मैं क्या मान लूं सर, ए, इसको मैं बी मान लूं और इसको सी मान लूं, इसका मतलब मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, कोस सी, और कोस बी सी के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर अपॉन क्या होगा 2ab होगा। अब लगाओ फॉर्मूले और जवाब दो कि सर ए स्क्वायर ये होगा सर एक्स स्क्वायर प्लस सर वाई स्क्वायर माइनस माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन आपके पास कितना जाएगा 2xy आ जाएगा। इसका मतलब ये इससे गया, ये इससे गया, इससे ये गया, अरे फिर से वो का वही आ गया, अरे माइनस का 1/2, और माइनस 1/2 आने का मतलब क्या है कि सर एंगल होगा 120, सर एंगल होगा 120। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आ गया क्या है, सबसे बड़ी भुजा वाला कॉन्सेप्ट आपका समझ में आ जाना चाहिए और जिंदगी में गलत नहीं होना चाहिए बेटा, दोबारा गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रख लेना, जिंदगी में कभी दोबारा गलत नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ा एंगल और सबसे छोटे एंगल वाले जो सवाल आते हैं ना, ये जिंदगी में अब आपको गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। चलो जी, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, है ना, ये आपके समझ में आ गई होगी कि ऐसे करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। चलो जी, अब अपन आगे बढ़ते हैं, प्रोजेक्शन फॉर्मूले का भी मैंने क्वेश्चन आपको करवा दिया है। तीसरा, अब जैसे यहां पर आपके पास एक्स वाई लिखा हुआ है और हो सकता है यार पी क्यू लिखा हुआ कोई क्वेश्चन आ जाए, तो इतना तो सर हो ही सकता है, हेर फेर इतना तो हो ही सकता है, ठीक है। चलो जी, अब मैं अगर आगे आपको लेकर चलता हूं, है ना, आगे आपको लेकर चलते हैं, एक और फॉर्मूला अपने पास बचा है, उसके बाद में क्वेश्चन करवाता हूं मैं।
सर तीसरे नंबर का जो चौथे नंबर का मैंने तीन करवा दिए हैं, क्या क्या था कंटेंट के अंदर, साइन ए फॉर्मूला, कोसाइन फॉर्मूला, प्रोजेक्शन फॉर्मूला, नेपियर एनालॉजी, उसके बाद में क्या था हाफ एंगल फॉर्मूला, फिर एरिया, फिर आपके पास सर्कम रेडियस था। तो सर फोर्थ फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, और फोर्थ फॉर्मूला क्या बोलता है, इसको बोलते हैं सर टेंजेंट रूल। क्या बोलते हैं? टेंजेंट रूल बोलते हैं इसको, बोला जाता है टेंजेंट रूल या फिर नेपियर एनालॉजी। क्या बोला जाता है? नेपियर एनालॉजी। और जो भी बच्चे मेरे साथ में नए जुड़े हैं उनको बता दूं, ये जो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ 2:30 PM पर आपसे डिस्कस करूंगा इन्हीं के बेस पे क्वेश्चन, और एक एक बच्चे को याद रहना चाहिए, जब प्रैक्टिस करोगे तभी पता चलेगा फॉर्मूला कहाँ लगेगा, ठीक है। हाँ जी, नेपियर एनालॉजी क्या है तो इसके बारे में सुनो, ये जो फॉर्मूला होता है इसको अपन बोलते हैं कोज्या सूत्र, स्पर्शज्या सूत्र बोलते हैं। और स्पर्शज्या सूत्र आपको इस तरीके से करते हैं कि अगर सर टेन ए माइनस बी अपॉन आपके पास है सर टू, टेन ए माइनस बी अपॉन टू अपॉन सर टेन ए प्लस बी अपॉन टू, टेन ए माइनस बी अपॉन टू, टेन ए प्लस बी अपॉन टू, और इक्वल होता है आपके पास ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी होता है। सर ये फॉर्मूला होता है टेंजेंट रूल का, यह टेंजेंट रूल होता है या फिर नेपियर एनालॉजी। यहाँ पर जो एंगल है वही साइड यहाँ पे जो एंगल प्लस है वही साइड यहाँ पर प्लस कर दी। तो सर इसको थोड़ा सा और घुमा दें कि सर कैसे, वो इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पर आपको माइनस किया बी माइनस सी अपॉन टू किया, और नीचे भी अगर मैंने ऐसा किया कि सर बी प्लस सी अपॉन टू है ऐसा है, तो यहाँ पे क्या करोगे, बच्चे जवाब दे देंगे कि सर सेम जो एंगल है सेम साइड यहां पर माइनस हो जाएगी, और जो यहां पर आपने प्लस किया तो सेम सर यहां पे क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ये नेपियर एनालॉजी है, ये नेपियर एनालॉजी है। और फॉर्मूला अगर आप चाहे तो बना सकते हो कि सर इसका अगर मैं लिखूं कि सर a माइनस का c अपॉन टू, टेन ए माइनस सी अपॉन टू अपॉन टेन ए प्लस सी अपॉन टू अगर मैं लिखता हूँ, अगर ऐसा लिखता हूँ तो सर इसका मतलब हम निकाल लेंगे वो क्या कि सर ए माइनस सी अपॉन ए प्लस सी, a माइनस सी अपॉन ए प्लस सी। ये है सर क्या अपने पास टेंजेंट रूल या फिर नेपियर एनालॉजी, नेपियर एनालॉजी। बोलो आया समझ में, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो एक क्वेश्चन जो बनता है ना वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेते हैं, कई बार पूछा गया है डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है कि निम्न में से कौन सा सही होगा, तो ध्यान रखना टेन वाले में जो यहां पे माइनस है सेम साइड माइनस होगी, जो यहां पे प्लस है सेम साइड प्लस होगी। अब इसमें थोड़ा मेकअप करवा देते हैं, ठीक है ना, मेकअप करवा देते हैं। मेकअप तो नहीं किया था, फिर सहेली ने बोल दिया तू भी लगा ले यार फेरो लली है, तो इसमें थोड़ा सा मेकअप कैसे होगा वो मेकअप देखो जरा, इसके अंदर मेकअप देखो मेकअप कैसे करते हैं कि सर ऐसा क्वेश्चन आपने बताया कि टेन ए माइनस बी अपॉन टू, टेन ए माइनस बी अपॉन टू अपॉन आपके पास क्या है टेन ए प्लस बी अपॉन टू है ऐसा है, और बराबर में सर आपके पास ऐसा लिख दिया आपने ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, कि सर मेकअप कैसे आएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या पाया हमने कि सर a माइनस बी अपॉन टू बराबर आपके पास होता है सर a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी और इंटू सर टेन ए प्लस बी अपॉन टू। बड़ा कमाल हो गया सर है? कि हमने तो अलग फॉर्मूला पढ़ा था आपने अलग बता दिया। देखो समझो कि जब यहां पे a प्लस बी अपॉन टू तो इसके अंदर गणित लगाएंगे, आपने क्या समझा कि सर a प्लस बी प्लस सी ट्राइंगल के एंगल होते हैं जिनका योग क्या होता है 180 होता है, आपको निकालना है a प्लस बी तो आप c को इधर भेज दो, दो का डिवाइड करना है दो से डिवाइड कर दो, दो से डिवाइड कर दो। बोलो कुछ समझ में आया क्या? इसका मतलब सर हमने ये समझा कि a प्लस बी अपॉन टू जो होगा सर वो 90 माइनस सी बाई टू के बराबर होगा। बोलो आया कि सर a प्लस बी बाई टू जो होगा वो होगा 90 माइनस सी बाई टू के बराबर। तो यहां पे आप 90 माइनस सी बाई टू अगर रख दोगे कि सर 90 माइनस थीटा टेन 90 माइनस थीटा तो वो क्या होता है कोट थीटा होता है, कोट सी बाई टू हो जाएगा। तो मेकअप जो बन गया वो मेकअप आपका यहां पे लिख देता हूं मैं कि अगर आपको दे रखा है टेन ए माइनस बी अपॉन टू तो इसके बराबर होगा। अब सही है अब सही है ना बिल्कुल। चलो यार मजा खराब कर दिया इसने नेट ने तो। अब सही है, चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा सा नेट के अंदर थोड़ा सा बफरिंग हो गया था है ना, अब तो क्लियर है ना बेटा। अरे अब तो क्लियर है मेरे भाइयों, बताओ फटाफट से, अब तो क्लियर है ना, अब क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है, फटाफट से बता दो अब क्लियर है। अभी भी बफरिंग हो रही है,
अब तो सही है यार, बिल्कुल सही है, अभी सही है ना। चलो मजा खराब कर दिया, किरकिरा कर दिया यार मजा। चलो कोई बात नहीं, यहां तक जो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है ठीक है ना, जहां यहां तक जो हमने पढ़ा है उन्हीं के क्वेश्चन अपन 2:30 PM की क्लास के अंदर सोल्व करेंगे, और इसका जो आधा पोर्शन है वो कल की क्लास के अंदर मैं आपको डील करवाऊंगा ठीक है। मेरे जस्ट बाद में संजय सर की क्लास आएगी है ना, संजय सर की क्लास आएगी, एडजेक्टिव के बारे में बताएंगे, और बहुत शानदार कॉन्सेप्ट होते हैं, बहुत भीड़ होती है उस क्लास का, आप अंदाज मजा उठाइएगा। और इस क्लास के रिगार्डिंग आपका प्यार एंड सपोर्ट जो हर क्लास में मुझे मिलता है, इस क्लास में कमी नहीं होनी चाहिए। बहुत मेहनत करके बताइए, बहुत मेहनत करिए तो आपको भी मैं मेहनत करवाने के लिए मजबूर कर दूंगा सर ठीक है। इस क्लास के रिगार्डिंग आपका प्यार एंड सपोर्ट मुझे कमेंट बॉक्स में दिख जाना चाहिए, क्लास सही हो रही है ठीक है। टाटा बाय बाय।